जय मा सरला, जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, आस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को आपण मानक आस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, पूर्व टॉपिक रे आम डिस्कशन करते अक्षय तृतीया महत्व कौन रही, कहीं आम से दिन को अक्षय तृतीया बोली कह, अक्षय तृतीया विशेषत्व कौन रही, अक्षय तृतीया तात्पर्यता कौन, बहुत बढ़िया टॉपिक आम डिस्कशन करते। जदि आप देखी ना ऊपर आई लिंक में क्लिक कर देखिपारे, आज आपण मानी नहीं कि आसी अक्षय तृतीया उपरे आउ एक बहुत बढ़िया टॉपिक। अक्षय तृतीया रे माता लक्ष्मी कृपा प्राप्ति पाई बा आम घर धनर जो अभाव को दूर करने अक्षय तृतीया रे कौन रही विशेष महा उपाय आज आलोचना करवा, बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छी। आपण को अनुरोध शेष पर्यंत देखंतु, जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेल चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखे थोड़ा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करूँ, वीडियो को लाइक करेंगे। आपण मनरे जदि टॉपिक को नहीं किसी क्वेश्चन थाए कि डाउट थाए तो मतलब कमेंट बॉक्स में लिखे। आपण को अनुरोध करी प्लीज आपने वीडियो को शेयर करेंगे, समस्त पाखे पहुँचे। तो दर्शक बंधु, आउ डेरी करानी, आसतु आरंभ करवा आज अध्याय। दर्शक बंधु, वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हूँ अक्षय तृतीया। वर्षक भितर यह दिन केबे भी आसे ना। अक्षय तृतीया दिन आम चाषी भाई मैंने अक्षिमुठी चलांती, अर्थात यही अक्षय तृतीया दिन ठारु चाष कार्यर शुभारंभ करा जाए था। सबुठ बड़ कथा है कि कोटि कैबल्यर नाथ अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्ट दष्टा बड़देर बड़ ठाकुर प्रभु श्री जगन्नाथ रथ कार्यर शुभारंभ अक्षय तृतीया दिन आरंभ होता है। प्रभुं चंदन जात्रा दिन ठार आरंभ होता है। अक्षय तृतीया दिन पालनकर्ता गोलक विहारी भगवान श्री विष्णु परशुराम एवं हयग्रीव अवतार धारण करते। दिन विशेष भाव विशेषत्व रही। दर्शक बंधु, एवं आसतु जाणवा यही अक्षय तृतीया दिन कौन एमती विशेष महा उपाय करवा। प्रथम उपाय आपण को कह, पारिवारिक समस्या को केमी दूर करेंगे, स्वामी स्त्री मध्य केमी सुसंपर्क स्थापन हो पार। धर्मसिंधु ग्रंथ सुंदर भाव कहते, जा करोति तृतीयायाम कृष्णम चंदन भूषितम वैशाख से शीत पक्षे सजात्युच्युत मंदिरम। शास्त्र कहले, जो मनुष्य बा जो व्यक्ति विशेष माने वैशाख मास शुक्लपक्ष तृतीया तिथि रे बा अक्षय तृतीया दिन भगवान श्री कृष्ण को श्री विष्णु को प्रभु जगन्नाथ को यदि चंदन लागि करंती, ताहले से माने वैकुंठ समान सुख को भोग करंतु। एणु जदि आपणक घरे परिवार भितर मत पार्थक्य देखा दौता है, स्वामी स्त्री मध्य सुसंपर्क रही पार न थाए, स्वामी स्त्री भितर सब बड़े कली झगड़ा मत मतांतर देखा दौता है, आपण यही उपाय को निश्चय करंतु। द्वितीय उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति पाई कौन रही अक्षय तृतीया महा उपाय। जो उपाय करने द्वारा आम घरे लक्ष्मी क्षय हेब ना। अक्षय तृतीया पूर्व टॉपिक रे आपन को कही न क्षय अक्षय बा क्षय नास्ति जस्यस, तेणु एमती किसी उपाय करवा जो उपाय करने द्वारा माता लक्ष्मी आशीर्वाद आम उपर रही पार। धर्मसिंधु ग्रंथ कहले, अस्याम यत्किंचित जप होम पितृतर्पण दानादि क्रियते तत्सर्वम अक्षयम। धर्मसिंधु ग्रंथ कहले, जप होम पितृतर्पण दान जदि अक्षय तृतीया रे करुचंती, ताहले से पुण्यफल अक्षय हो जाए बा क्षय हुए ना। जदि आपण लक्ष्मी प्राप्ति पाई चाहती, ताहले ये अक्षय तृतीया दिन माता लक्ष्मी मंत्र को आपण जप करंतु, सिद्धि करनियंतु, जहाद्वारा कि लक्ष्मी कृपा आपण सदैव रहिबो। तृतीय उपाय, धनर अभाव को आम केमी दूर करवा, माता लक्ष्मी को आम केमी प्रसन्न करवा, माता लक्ष्मी शुभाशीर्वाद केमी आम उपर आम परिवार उपर रहिबो। दर्शक बंधु, ये अक्षय तृतीया दिन आपण प्रातः काल शय्यात्याग करनी, स्नानादि कर्म पर यथा विधि सूर्य पूजा अर्चना करंतु, तापर पितृपुरुष उद्देश्य तर्पण करंतु। यहापर एक शुद्ध पीतल थाली रे श्वेत चंदन घोरार एक स्वस्तिक चिन्ह अंकन करंतु, एवं स्वस्तिक चिन्हर ठीक उपरे शुभ एवं
दक्षिण पटरे लाभ बोली लिखंतु। मोबाइल स्क्रीन में देखी देखि नियंतु शुभ एवं लाभ मझेरे श्रृंग बीज को लिखंतु। यहाँ शुभ लिखिथिबा स्थान रे लाभ लिखिथिबा स्थान रे श्रृंग लिखिथिबा स्थान रे अल्प अल्प अक्षत रखंतु। तापरे आपण जो स्वस्तिक चिन्ह अंकन करिचंती स्वस्तिक चिन्ह भितर जो चारोटी कोठरी अच्छी से चारोटी कोठरी रे अल्प अल्प अक्षत रखिबे एवं स्वस्तिक चिन्हर जो मिडिल पॉइंट रहिला से मिडिल पॉइंट बा से केंद्र बिंदु रे किछ अक्षत रखिबे। एई भली भाबरे आपण आठ जगार अक्षत किछ किछ रखिबे। जो जगार श्रृंग लेखि आपण अक्षत रखिथिबे से अक्षत उपरे गोटे रूपा टंका जोथिरे माता अन्नपूर्णा लक्ष्मीकर फोटो चित्र थिबो से रूपा टंका गोटे श्रृंग लेखिथिबा जगा उपरे जो अक्षत रखिथिबे ता उपरे आपण रखिदेबे। तापरे आठटी गोलाप फूल आपण जोगाड़ करिबे। जो आठटी जगार आपण अक्षत देइथिबे से आठटी जगार आठ गोटी गोलाप फूल आपण देबे। जितेबेला आपण फूल समर्पण करिबे मन रखंतु फूल समर्पण करिबा समय रे ओम श्रीम लक्ष्मी देवै पुष्पम समर्पयामि ए मंत्र को उच्चारण करिबे गोटिए फूल देबे। आउ थरे सेमती ओम श्रीम लक्ष्मी देवै पुष्पम समर्पयामि आउ गोटे फूल देबे। एमिति आठ थर उच्चारण करी आठटी जगार फूल देबे। तापरे पुष्प अर्पण करि सारिबा परे धूप समर्पण करिबे। जितेबेला आपण धूप समर्पण करिबे मन रखंतु सेही मंत्र रे आपण धूप समर्पण करिबे ओम श्रीम लक्ष्मी देवै धूपम समर्पयामि। धूप परे दीप दीप को जितेबेला आपण से जो थाली रे जो स्वस्तिक बनैथिबे तोले दीप रे वंदापना करिबे बा दीप दर्शैबे ओम श्रीम लक्ष्मी देवै दीपम समर्पयामि ए मंत्र को उच्चारण करी आपण धूप दीप समर्पण करि देबे। यहाँ पर आपण माता लक्ष्मी उद्देश्य रे प्रणाम करिबे। प्रणाम कर सारिबा परे अष्टलक्ष्मी मंत्र उच्चारण करिबे। अष्टलक्ष्मी मंत्र मन रखंतु ओं आद्या लक्ष्मी नमः ओं विद्या लक्ष्मी नमः ओं सौभाग्य लक्ष्मी नमः ओं अमृत लक्ष्मी नमः ओं कमलायै नमः ओं सत्य लक्ष्मी नमः ओं भोग लक्ष्मी नमः ओं जोग लक्ष्मी नमः। यही अष्टलक्ष्मी नाम को 108 थर जप करी प्रणाम करिबे। जप कर सारा माता अन्नपूर्णा को प्रार्थना करिबे आपण मन भितर धनर समस्या को नहीं जहाँ बांछना अच्छी जहाँ विश अच्छी माता को ताहा जनईदेवे। जन सारा शुद्ध लाल रंगर कपड़े से थाली समस्त अक्षत टंका एवं गोलाप फूल को पुटुली बांधिदेवे। पुटुली बांधि सारा परे आउ टिके धूप समर्पण करिबे। मन रखंतु अगरबत्ती देबे नाही। जदि आपण गुगल धूप बा झुणा धूप दउचंती बहुत भल कथा तेणु से पुटुली को आपण टिके धूप समर्पण करदे। आपण जोटे टंका रखुथिबे जोटे अर्नामेंट सुना अलंकार आदि रखुथिबे रेड कलर रो पुटुली को आपण रखि दियंतु। देखंतु ए उपाय रो चमत्कारिता कोन पूर्वरु आपण को कहिछि अक्षय तृतीया दिन जेउ उपाय करिबा ताहार क्षय नाही। जदि घरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखा दू थाए किंबा आपणकर बिजनेस ठीक से चालू न थाए बेपार आपणकर ठीक हो न थाए आपणको दुकान को जदि कस्टमर माने आसु न थांती ताले ए उपाय आपण निश्चित करिवे। जो पुटुली आपण प्रस्तुत करिवे जदि आपण वाणिज्य प्रतिष्ठान पई करूचंती ताले से पुटुली को नै आपण जो टंका रखुचन जो कैश ड्र रे आपण से पुटुली को थोई देबे। एतिक प्रतिकार आपण करंतु देखिबे ई अक्षय तृतीयार जो प्रतिकार आपणकर केबे भी क्षय जीवनी रिजल्ट आपणको पाखरे 100% पहुंच पारिबो। दर्शक बंधु पुणी आसीबी आगामी अध्याय रे बृहस्पति चलन को नै शुभाशुभ कोन रहिछि। बहुत सारा दर्शक बंधु माने कमेंट रे लेखिथिले सर बृहस्पति चलन पई टॉपिक अपलोड करंतु तेणु आगामी अध्याय रे आमे जानिबा बृहस्पतिंकर चलन रे केमिति रहिबो 12टि जाक राशिर शुभाशुभ। सपर्यंत आपण माने भलर थांतु खुशी रे थांतु मते विदाय दंतु रहिले। जय मा सरला जय गुरुदेव।